मसीह विश्वासी और जय यीशु की प्रस्तुत है 11 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 23 से 28 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, यह वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती। प्रभु यह कहता है, मैंने उन्हें यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम होगे मेरी प्रजा। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चल गए। जिस दिन तुम्हारे पूर्वज मिस्र देश से निकले उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को तुम्हारे पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें यह सब बता दोगे किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे यह कहो, यह वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और उनकी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती है। सच्चाई नहीं रही, वह उनके मुख से चली गई है। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 14 से 23 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है। यीशु ने किसी दिन एक अपदूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अपदूत के निकलते ही वह गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अपदूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसा टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेलजेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेलजेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अपदूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है, पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह ईश्वर की आज्ञा को इसराइली जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहता है, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे।
यदि तुम मेरे बनाए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। और सुसमाचार में भी प्रभु कहते हैं कि जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। ये दोनों पाठ ईश्वर पर भरोसा रखते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करने का निमंत्रण देते हैं। यदि हम इसराइलियों के इतिहास में देखें तो हमें ज्ञात होता है कि प्रारंभ से ही वे ईश्वर के प्रति विद्रोह करते दिखाई देते हैं। जी हाँ, यद्यपि उन्होंने ईश्वर के महान शक्तियों एवं चमत्कारों को अपनी आँखों से देखे थे, फिर भी वे ईश्वर पर भरोसा करने एवं उनमें विश्वास करने में असमर्थ हो जाते हैं। ईश्वर ने जब नबी मूसा के द्वारा इसराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से मुक्त किया तो इसराइलियों ने प्रभु की शक्ति एवं सामर्थ्य को अनुभव किया था। जब मूसा सीनै पर्वत पर गए और 40 दिनों तक नहीं लौटे तो उनका मन भटक गया था और उन्होंने सोने का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना की। इस प्रकार से इसराइली कई प्रकार की गलतियां करते रहे। जब वे प्रतिज्ञात देश प्रवेश किए तो पुनः वे ईश्वर की शक्ति एवं सामर्थ्य को भूलकर अन्य देवी देवताओं की पूजा एवं आराधना करने लगे। अन्य देवी देवताओं की आराधना करने का कारण यह था कि उनकी पूजा पाठ करने से वे धन संपत्ति से संपन्न हो जाएंगे। इस प्रकार वे ईश्वर की पहली आज्ञा के विरुद्ध कार्य करते हैं। प्यारे मसीह विश्वासियों, ईश्वर सदा अपना विधान याद रखता है। उसने इसराइलियों से जो भी प्रतिज्ञाएं की उसे उन्होंने पूरा भी किया। जब जब इसराइली पाप और बुराई में पड़ जाते थे तब तब प्रभु अपने दूतों को अर्थात नबियों को उनके पास भेजकर पाप और बुराई के मार्ग से निकलकर उन्हें पवित्र चुनी हुई प्रजा के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। और जब वे अपने पापों एवं बुराइयों को छोड़कर प्रभु के बताए मार्ग पर चलने लगे तो प्रभु ने उन्हें क्षमा कर स्वीकार किया, क्योंकि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। इसाईस नबी के ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां डवाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डवाडोल नहीं होगा। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु द्वारा अपदूत को निकालने के कारण फरीसियों ने उस पर यह आरोप लगाया कि वह शैतान के नायक बेलजेबुल की सहायता से ऐसा करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो फरीसी और शास्त्री यीशु के अच्छे कार्यों को सही तरह से नहीं समझे थे। यही कारण है कि उनका हृदय यीशु के प्रति ईर्ष्या एवं द्वेष से भरा पड़ा था। इसीलिए तो वे कहते हैं कि यीशु बेलजूबेल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। यीशु उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि क्या शैतान के कार्यों में अड़ंगा लगा सकता है। अपने इस कथन के द्वारा यीशु यही बताना चाहते हैं कि अच्छे काम को तभी कर सकते हैं जब हमारे पास अच्छे काम करने के गुण या क्षमता हो। अगर हमें किसी को कोई चीज़ देना हो तो वह चीज़ हमारे पास होना
जरूरी है। हम ईश्वरीय प्रेम को दूसरों के लिए तभी दे सकते हैं जब हमारे जीवन में उसके प्रेम का अनुभव करते हैं। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के दोनों पाठ से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हम भी ईश्वर से भटक गए हैं। अवश्य ही हम भी इसराइलियों की तरह ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। हम पूर्ण रूप से अपना सर्वस्व ईश्वर को नहीं दे रहे हैं। हम ईश्वर को नहीं पहचानते हैं। हम सच्चे हृदय से उसकी उपासना नहीं करते हैं। मिश्य बलिदान और दूसरे धार्मिक अनुष्ठान हमारे लिए मात्र एक धार्मिक क्रिया या धर्म विधि ही रह गया है। उस धर्म विधि के माध्यम से हमें ईश्वर के पास पहुंचना है। हमें प्रार्थनाओं के द्वारा ईश्वर से जुड़ने की आवश्यकता है। जी हाँ, यदि हम अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं तो ईश्वर के पास आने की जरूरत है। ईश्वर से अलग रहकर हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। यदि हम उनसे दूर जाते हैं तो हम मर जाएंगे और हमारा विनाश हो जाएगा। हमने बपतिस्मा संस्कार में प्रभु ईश्वर को स्वीकार किया है, अतः हम अपने सांसारिकता और स्वार्थ के लिए ईश्वर को नहीं त्याग सकते हैं। हम ईश्वर के विरोधी कैसे बन सकते हैं? हमें चिंतन करने की जरूरत है। अपने ख्रिस्तीय जीवन की प्रतिज्ञाओं और ख्रिस्तीय मूल्यों के आधार पर अपने को ढालना है। यदि हम प्रभु की वाणी पर चलेंगे तो अवश्य ही प्रभु हमारे साथ होंगे और हम एक दिन अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। प्यारे मसीह विश्वासियों, किसी भी व्यक्ति के लिए बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करके ख्रिस्तीय बन जाना सहज है, किंतु ख्रिस्त की शिक्षा के अनुसार जीवन यापन करना बेहद कठिन है। हमें अपने को ख्रिस्तीय होने का गर्व है। यही नहीं, समाज में ख्रिस्तीय जीवन के महान मूल्यों प्रेम, आनंद, शांति, क्षमा, भाईचारा, निस्वार्थ सेवा, दया, परोपकार आदि के लिए हमें सम्मान दिया जाता है। ख्रिस्तियों के द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान है, किंतु बहुत बार हम अपने ईश्वर को भूलकर अपना रास्ता ले लेते हैं और ईश्वर के विरुद्ध आचरण करते हैं। यदि हम कोरोना काल पर मनन चिंतन करें तो हम पाएंगे कि इस महामारी ने सारे संसार की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को डमाडोल कर दिया, लेकिन यह कोरोना वर्ष ने लोगों को उनकी आध्यात्मिकता में सबल बनाया। जी हाँ, हर एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए ईश्वर से दुहाई करने लगा। इस बीच विभिन्न देशों ने जनता से प्रकृति के नियमों का पालन करने का निवेदन किया। आज के सुसमाचार में यीशु के द्वारा ईश्वर की शक्ति प्रदर्शित होती है, पर लोग ईश्वरता का प्रमाण चाहते हैं। यीशु कहते हैं, ईश्वर का राज्य हमारे बीच आ गया है। वायरस हम महामारी के समय भी इस ईश राज्य के कुछ दृश्य देखने को मिले हैं। इस दौरान मानवता पर विशेष जोर दिया गया। जी हाँ, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कई कार्यक्रमों पर विराम लगाया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोरोना काल संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में बांधने की कोशिश किया। हम प्रार्थना करें कि कोरोना महामारी ने जो शिक्षा हमें प्रदान की, मानव जाति उस शिक्षा को भविष्य में भी कायम रखे। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना कभी ना भूलें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।